हाँ जी, म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। तो भाई शोभ भाई ने ना परसों एक स्टोरी शेयर करी थी, जैसे कि तुम देख सकते हो एक आर्ट वर्क है उसमें, तो इसके काफ़ी सारे हिंट्स भी ऐसे डिकोड करके बताऊंगा मैं तुम्हें। बाकी सबसे मेन चीज़ कि लाइक ये किसी आने वाले प्रोजेक्ट का हिंट है या फिर कुछ ऐसी कुछ अवेयरनेस के लिए है या फिर ये डिस ट्रैक के बारे में कुछ है, तो सारा कुछ तुम्हें बता दूंगा, मेरे POVs ये सारी चीज़ें। तो बिना वक्त गवाए आपको बताऊँ तो सुबह सबसे पहले इस आर्ट वर्क का जो मेनली मतलब आया रिसर्च करने पर वो बता देता हूँ, फिर डिस ट्रैक और प्रोजेक्ट के बारे में तो ऑब्वियसली बात करेंगे। तो भी मैंने सर्च कराना तब इसमें बताया गया, वैसे ये चीज़ दिख भी रही है खुद ही कि लाइक है ना एक पेंडुलम क्लॉक है, वो गड्ढा खोदती जा रही है, ऑब्वियसली दिख ही रहा है तुम्हें दफनाने के लिए। तो इसका मतलब है ये है कि लाइक हर पल को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि समय चलता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है और एंड तो सबका हो ही जाना है, ये मतलब है ना, कि लाइक टाइम का ध्यान रखो। सो भाई बेसिकली तो इसका यही मतलब है कि लाइक जितना टाइम मिला उसे एंजॉय करो क्योंकि एंड हो जाना है सबका एक दिन, है ना। बट भाई अब जैसे कि तुम, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि लाइक है ना इसी आर्ट वर्क पे ना कई सारे जो थॉट्स होते हैं कॉट्स होते हैं वो बना रखे हैं लोगों ने। सो अब तुम समझ ही सकते हो कि मेनली शायद इसीलिए ये शेयर किया है ताकि लोगों को कीमत पता चल सके। लेकिन अब जैसे कि भाई ऑडियंस का तो खुराफात ही दिमाग है तो हम तो लगाएंगे ही दिमाग। तो अभी तुम इसे अच्छे से देखोगे ना तो जैसे कि पास्ट में बीफ भी हुई थी कंगना रनौत से, है ना, बाद में कंगना ने स्टोरी पे शुभ का ही गाना लगा दिया था, वो बात अलग है। बट तुम इसमें देखोगे तो पीछे पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड है ना। तो अब ये हो सकता है कि एक होता ना ताबूत में आखिरी कील ठोकना, तो एक और ऐसा डिस्ट्रैक्ट टाइप जिसमें कि एक दो लाइंस और हो ऐसा ट्रैक वो ड्रॉप करे। अब जैसे कि एमी वर्सेस कृष्णा की बीफ हुई थी ना, तब जो आखिरी माँ कसम 4 जो गाना रिलीज करा था कृष्णा ने, तो उससे पहले भी ऐसे हिंट्स दिए थे, ये जस्ट मैंने वैसे ही बताया। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हाँ कुछ डिस्ट्रैक्ट वाली लाइंस कुछ सबलिमिनल कुछ किसी के लिए हों। अब किसी के लिए नहीं तो क्या कंगना रनौत के लिए होंगी। सो भाई वैसे तो ये जो आर्ट वर्क है वो अवेयरनेस के लिए ही शेयर किया होगा मेनली, जो इसका मतलब निकल रहा है उस हिसाब से तो। लेकिन अगर नहीं है कि ऐसा नहीं है कि किसी ट्रैक या प्रोजेक्ट का ही हिंट है, तो जो नेक्स्ट अप जो उनका जो सिंगल वगैरह जो भी ट्रैक आएगा उसके टाइटल से हमें पता चल जाएगा, उसका टाइटल इसी से रिलेटेड होगा डेफिनेटली। अगर ये किसी प्रोजेक्ट का हिंट है तो तुम्हें टाइटल से पता चल जाएगा। सो हाँ भाई, मुझे अपना POV शेयर करना था और तुम्हारा जानना था, इसलिए ये वीडियो बनाई है मेनली। तो सो अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखो तुम्हें क्या लगता है कि किस लिए होगा, है ना। बाकी EP की सिंगल आएगी वो नहीं पता मुझे। सो बस ये यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और अपना POV कमेंट कर देना जिससे मुझे पता चल सके तुम इतना लास्ट तक देखते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना।